Disclaimer. This channel does not promote any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आसूस का मदरबोर्ड है और इस मॉडल का कई वर्सन का मैंने वीडियो डाल के रखा हूँ जो कि अलग अलग प्रॉब्लम के साथ था और वो मैं सब कुछ रिपेयर किए थे और वो सब वीडियो में अच्छा खासा व्यूज है, 2-2.5 लाख करके है, कुछ 16-17 हजार करके भी है, ऐसे ऐसे है। तो देखिए, ये इसमें मैं एक ट्रिक का वीडियो आज बनाने जा रहा हूँ तो आपको ये बहुत काम पे आएंगे अगर आप हार्डवेयर का काम करते हैं तो। लेकिन ये ट्रिक काफी हद तक मतलब 60% आपको काम पे आएंगे। मीन्स 100 बोर्ड अगर ऐसे सेम मॉडल सेम वर्सन का आता है तो आपको सिर्फ 60% में काम पे आएंगे। दूसरी कारण से भी ऐसा हो सकता है, तो वो क्यों होता है और क्या करना होगा आपको वो भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि क्या करने जा रहे हैं हम। तो देखिए, हम पावर ऑन किया और इसमें ये जो है ना हाई रिसेट का लाइट होता है, ये हाई रिसेट का एलईडी ये हमारा ग्लो कर रहा है। और ये हाफ कोड, तो ये हाफ कोड कभी कभी ऐसा होता है कि ये ठीक होने पर भी ऐसे हाफ कोड होता है, ठीक है, तो उसमें मत जाओ, ये हाई रिसेट की वजह से भी प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, ये हाई रिसेट भी चली गई, तो मैं दोबारा इसे बंद कर देता हूं। अब देखिए, फिर से इसे चालू करता हूं तो ये ऐसे हाई रिसेट में चले जाता है। लेकिन यहां पर ये प्रोसेसर काफी गर्म हो रहा है तो हम प्रोसेसर को चेंज करके दूसरा प्रोसेसर लगा के देख सकते हैं। लेकिन ये आपका प्रोसेसर का मामला नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली चालू हो रहा है, इसे आपको बंद करना होगा सबसे पहले। तो ऑटोमेटिकली क्यों चालू होता है और कैसे चालू होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, ये ऐसे फिर से हाई रिसेट में जा रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ चीजें करेंगे। तो अभी आपको क्या करना होगा मैं अब दिखा देता हूं और क्यों करना होगा वो भी मैं बता देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले जो है इसका प्रोसेसर हमारा गर्म हो रहा है, तो यहां पे VRM में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब चांसेस बहुत ही कम है, मतलब चांसेस परसेंटेज में अगर देखा जाए तो बहुत ही कम है कि इसका VRM खराब है। दूसरा, इसमें क्या हो सकता है, BIOS, तो वो भी अगर करके देखा आपने तब भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं आ रहा है इसमें, तो आपको आगे जाके मेरा स्टेप अप्लाई करना होगा। तो देखिए, ऐसे प्रॉब्लम में आपको BIOS को खोल के या तो भी रिप्रोग्राम करके आप देख सकते हैं, अगर तब भी नहीं हो रहा है तब जाके ये अप्लाई कीजिएगा लास्ट में। ये छोटा सा ट्रिक है और ये आप पहले भी आप करके देख सकते हैं, लेकिन आराम से कीजिएगा और शांति से कीजिएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी आपको मैं दिखा रहा हूं नजदीक से। तो यहां पे देखिए, ये है नुवोडॉन का एक IO, तो इसकी नजदीक में एक SMD है, तो ये देख सकते हैं आप WCM, ये जो है SMD 3 पिन का, इसे आपको खोल के फेंकना होगा या तो फिर आप चेंज भी कर सकते हैं, वो तो आपका मर्जी। और इसे खोलने के बाद ये मैजिक आपका हो जाएंगे, तो मैं इसे निकाल के आपको दिखा रहा हूं। और ये क्या है, ये जो है ये आपका रेगुलेटर हो सकता है या तो फिर NPN सिलिकॉन ट्रांजिस्टर हो सकता है। अगर रेगुलेटर है तो ये 250 मिली वाट का, मेगावाट नहीं, मिली वाट, मतलब 1 वाट से भी 1/4, तो इसमें ये खराब हो जाता है, तो इसे आपको खोलना होता है। मिलन हिट वाला, ओके ओके। तो देखिए, मैंने इसे निकाल दिया, आप देख सकते हैं WCM
तो ये चाहे ट्रांजिस्टर हो चाहे रेगुलेटर हो, आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको इसे खाली इसे निकालना होगा और अब आपको देखना होगा दोबारा ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब ऑटोमेटिक चालू जो हो रहा था वो प्रॉब्लम जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और अब डिस्प्ले भी आ जा सकता है, मतलब डिस्प्ले भी आ सकता है, अगर आपका नसीब बहुत अच्छा है तो डिस्प्ले आपका आ सकता है। मैं दोबारा इसका जो बीप साउंड टैटा करता है इसे लगा देता हूं। ओके, नेक्स्ट हम इसे देखिए पावर अप किया तो इसमें ये लाइट इंडिकेट कर रहा है लेकिन ऑटोमेटिक चालू नहीं हो रहा है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो चुका है, ऑटोमेटिक पावर अप जो हो रहा था उसे हम लोग बंद कर चुके हैं, मतलब उसको करने में सक्षम हो चुका है। तो अभी हम इसमें टच करके देखेंगे कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब देखिए, तो देखिए अब ये ऑन हो चुका है और अब हम देखिए डिस्प्ले का साउंड भी आ चुका है टिक करके। तो हम दोबारा इसे, ये एरर आ रहा है शायद, लेकिन डिस्प्ले मेरे ख्याल से आना चाहिए था, तो मैं दिखा देता हूं आपको, आ चुका है। ये सीपीयू का भी एरर आ रहा है, सीपीयू फैन का, नो कीबोर्ड, ये सब तो आता ही है लेकिन अभी भी इसमें कोड नहीं आ रहा है। मतलब मैं बता रहा था कि कभी कभी इस सॉकेट की वजह से भी इसमें कोड नहीं आता है। तो चलिए हम इसे रिस्टार्ट करके देख लेते, और यहां पे देखिए डिस्प्ले भी जा चुका है यहां पे। और दोबारा इसमें आएंगे आसूस, आप देख सकते हैं, तो ये हमारा ठीक हो चुका है। और ये मैंने आपके सामने किया और छोटा सा एक ट्रिक लगाया, एक एसएमडी को मैंने निकाल दिया, ये हो चुका है। और अब हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात करेंगे और ये सब चीज क्यों होता है और कैसे होता है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको दिखाने वाला हूं। तो थोड़ा सा इस वीडियो को, ये तो खत्म हो चुका है, लेकिन अगर आपको इस लाइन में इस फील्ड में आगे जाना है तो भाई ये लास्ट तक आपको देखना होगा, नहीं तो आप आगे तो जाएंगे लेकिन कितना जाएंगे वो हम बता नहीं सकते। तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं कि क्यों और कैसे ये सब प्रॉब्लम होता है, और दूसरा प्रॉब्लम के बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो चलिए हम दिखा देते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। और अब आपको मैं ये सिंपल सा ट्रिक आपको दिखाने जा रहा हूं, तो ये आपको समझना जरूरी है। तो ये देखिए कि एक मोस्फेट है जिसका ये साइड में ड्रेन है और इसकी यहाँ पे एक डायोड है और यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई है और यहाँ से नेगेटिव सप्लाई है। तो नेगेटिव इसमें डायरेक्ट सप्लाई नहीं है, नेगेटिव को डायरेक्ट लगाया गया है इसकी सोर्स के साथ, और ये गेट टू सोर्स एक कैपेसिटर लगाया गया है जो कि नॉन पोलर है। तो ये आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम ये पॉजिटिव के साथ गेट को टच करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे टच करेंगे दो वायर को, देखिए यहाँ पे टच पैनल बनाया मैंने, अच्छा खासा नहीं हुआ तब भी बनाया, तो इसमें अगर मैं टच करूंगा तो ये हमारा मोस्फेट जो है ये स्विच्ड हो जाएंगे। स्विच्ड मींस ये सोर्स टू ड्रेन तक नेगेटिव जो है कनेक्टिविटी बना देंगे। और अगर हम दोबारा ड्रेन टू सोर्स टच करेंगे तो ये ऑफ हो जाएंगे। तो चलिए हम इसका जो है ये बना के रखा हूं, तो ये कॉमन एन चैनल मोस्फेट को मैं यहाँ पे काम पे लिया। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने कनेक्ट किया, तो इसका जो ड्रेन है यहां से आउटपुट किया एकदम, और यहाँ पे एक डायोड लगाया और इसकी यहाँ पे पॉजिटिव मैं सप्लाई दे रहा हूं, तो ये रेड वायर में पॉजिटिव सप्लाई है और ये दूसरा इसमें मोटर में अगर ज्यादा लोड जाएंगे इसीलिए मैंने इसमें डायोड और रजिस्टर दोनों लगाया। तो यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई तब मिलेंगे जब हमारा मोस्फेट ट्रिगर होगा। लेकिन इसमें ये हम क्यों समझाने जा रहे हैं, ये अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको मालूम नहीं होगा। तो चलिए हम इसे दिखा देते, तो ये दोनों को अगर हम इसमें एक हाथ रखेंगे और यहाँ पे एक बार टच करेंगे तो ये ऑन हो जाएंगे, और अगर दोबारा ऐसे दोनों पिन को ऐसे टच करेंगे तो ये ऑफ हो जाएंगे। तो ये तो नॉर्मल बेसिक्स है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे आपके सामने एक यूपीएस का बैटरी मौजूद है, आप देख सकते हैं, और मैं इसे इस तरीके से लगा देता हूं।
तो ये लगाया और अब हम एक हाथ से इसमें टच करेंगे और इसकी गेट पिन में टच करेंगे तो ये चालू हो जाएंगे, ये स्विचिंग हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ये दोनों पिन को एक साथ टच करेंगे तो ये बंद हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। और उसके बाद दोबारा अगर हम इस तरीके से टच कर देते तो ये ऑन, उसके बाद यहाँ पे ऐसे टच करेंगे तो ये ऑफ हो जाएंगे। तो ये क्यों हो रहा है, ये स्विचिंग हो रहा है, स्विच हो रहा है, तो ये स्विच हो जाता है तो उसके बाद ये काम करने लग जाता है। लेकिन इस तरीके से कोई प्रॉब्लम होता है, बाईपास मोस्फेट लगाया जाता है, बाईपास ट्रांजिस्टर लगाया जाता है, लेकिन बाईपास मोस्फेट में खास करके इस तरीके का प्रॉब्लम आपको आएंगे। क्यों और कैसे आएंगे वो भी मैं दिखा देता हूं। तो एक रेजिस्टर लगा रहता है इसकी सोर्स टू गेट। तो अब देखिए एक रेजिस्टर है जो कि 100 के का है, तो इसे अगर हम लगाएंगे तो ये जो स्विच हो रहा था ये नहीं होगा। तो देखिए ये एक रजिस्टर मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं इसकी गेट पे, मतलब ये मोस्फेट जो है Z44N IRF Z44N जो है इसमें हम इसे लगा रहे हैं। तो देखिए अब ये कभी स्विच नहीं होगा, लेकिन इसमें अगर हम फ्रीक्वेंसी डालेंगे PWM तो ये ट्रिगर करेंगे जरूर। तो देखिए इसमें टच कर रहा हूं और इसमें टच कर रहा हूं तो ये हमारा ऑन नहीं हो रहा है, एक हाथ से भी करके देख सकते हो, देखिए ये ऑन नहीं हो रहा है। लेकिन ये रजिस्टर जब इसमें से छूट रहा था तब शायद ये ऑन हो रहा था, लेकिन देखिए अब ये ऑन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इस रजिस्टर को हटा देंगे तो ये फिर से वैसे हो जाएंगे। तो देखिए ये चल रहा है और दोबारा इसे टच करता हूं तो ये बंद हो रहा है, आप देख सकते। तो चलिए आप मुद्दे की बात पे आइए। जो रेजिस्टेंस मैंने आपको लगा के दिखाया वो क्या होता है, मोस्फेट जो होता है वो ऑटोमेटिकली स्विच होने से बचाता है, मतलब ऑटोमेटिकली स्विच नहीं होंगे, मतलब एक बार स्विच होने पर वो स्विच नहीं रहेंगे, फिर से डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो डिस्चार्ज करने के लिए वो रेजिस्टेंस लगा रहते हैं और वो आपको ढूंढना होता है। मान लीजिए कि कोई मोस्फेट आपको ये सिस्टम को बंद करने के लिए दिया जाता है, तो उसमें अगर वो खराब हो जाता है रेजिस्टेंस तो वो क्या होगा, मोस्फेट को स्विच कर देगा और उसकी वजह से वो सोर्स टू ड्रेन शॉर्ट हो जाएंगे, मीन्स लगभग शॉर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से वो काम करता है। तो अभी हम दोबारा इसे टेस्ट करके देखेंगे और इसे भी हटा देंगे। तो मैं आपको शायद समझा पाया, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो भाई पोगो उसके लिए। तो हम दोबारा इसे चेक करके देख लेते हैं फाइनली। और याद दिला देता हूं मैं आपको कि जो मैंने दिखाया ये प्रैक्टिकली जो थ्योरी दिखाया, प्रैक्टिकली जो दिखाया मोस्फेट के बारे में, वो हम इसीलिए निकाल देते थे जिसमें 61 का जो होता है जिगावाइट का S1 जिसमें हम ट्रिक बताए थे उसमें भी ऐसे निकाल देते थे इस कारण से। तो चलिए हम इसे दोबारा चालू करके देख लेते हैं। तो ये भी दोबारा ये फिर से चालू हो चुका है और डिस्प्ले भी हमारा आ चुका है, देख सकते आप। ओके देख सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर अच्छा लगा है तो भाई मारो लाइक, ठोको शेयर और घंटी तो बजाना ही है, क्या करोगे, आपका ख्याल वो आप कर सकते हो। और बुरा हालत चल रहा है भाई, शेयर तो मारना ही चाहिए आपको, और मैं लाइक का एम करता हूँ 10 लाइक, सिर्फ 10 लाइक कर दो भाई। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।